उम्मीद लेके बैठे हैं कि आनंद मोहन के डीएम के मर्डर में केस में है तो उनको रिहा किया गया, और मेरे पति दरोगा के मर्डर में फंसाया गया है तो मेरे पति को भी रिहा किया जाए। आपका घर कैसे चलता है? घर चलते हैं जी, तू दुखरा मजूरी और कहला तू कहलक करके बाल बच्चे का पोसली, एगो दमादो को रख ली, वो खत्म हो गए। आपकी आंखों में भी आंसू दिख रहा है। दुख से न गिरे बाबू, सुख से न गिरे भारत। बड़ी दुख है, दुख है से हमने न जाना ही का दुख हो गए हमने के साथ। वही बदासी वाला कांड में हम रख धर के सबके। टाडा बंदियों के समर्थन में भाकपा माले के तमाम विधायक टाडा बंदियों के परिजनों के साथ एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। भाकपा माले का कहना है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो 22 साल से जेल की सजा काट चुके वो वृद्ध और बीमार टाडा बंदियों की रिहाई क्यों नहीं कर रहे नीतीश सरकार, और आज उसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है भाकपा माले के तमाम विधायकों के द्वारा, और साथ में वो तमाम टाडा बंदियों के परिजन भी मौजूद हैं जिनके लोग 22 साल से सलाखों के पीछे बंद हैं, एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद लेके बैठे हैं कि आनंद मोहन के डीएम के मर्डर में केस में है तो उनको रिहा किया गया, और मेरे पति दरोगा के मर्डर में फंसाया गया है तो मेरे पति को भी रिहा किया जाए। 20 साल से टाडा में बंद किया है, और वही केस में के त्रिभुवन शर्मा छूट गए हैं। नीतीश कुमार से आशा है कि वो ऐसा फैसला लेंगे? हाँ, जरूर लेना होगा, लेना होगा, काहे न लेंगे। आनंद मोहन के छोड़े हैं तो इन लोग के भी छोड़ना होगा। आप के कौन फंसे हुए हैं? पाती थे, पाती थे, चार रहे हैं, मुझको कि छोड़ा जाए, रिहा करना चाहते हैं कि रिहा कर दीजिए, वही केस में एक से मोहन कुछ नाम तो भुला जाइए। तो देखिए, हाथ में पोस्टर है, 14 साल वालों की रिहाई, 22 साल वालों की रिहाई क्यों नहीं भाकपा माले, और साथ में एक वृद्ध महिला है। कौन आपके फंसे हुए हैं, कौन जेल के सलाखों के पीछे हैं? हमारा भदसिया वाला में, भदसिया वाला में फसल हुए, गुजर गए थे, गुजर गए। हाँ, नीतीश सरकार से क्या मांग करती है? गरीब अमदीला, चार गो बेटी है तो कुछ सहारा कोई दवाइया ना है। अभी आंखों में आंसू भी दिख रहा है, कुछ ना। आज एगो दमादो के रख ली, दमादो मर गए। नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ ये तमाम लोग बैठे हैं, आप भी उनके साथ हैं, आपको लगता है कि नीतीश सरकार फिर से पुनर्विचार करेगी, नया फैसला लेगी? सरकार करता थी न लेता, इतना पद परिस्थिति में पड़ रहती है, कुछ ना सरकार करते थे, जे बच्चा ले जेकरो तो छोड़ दिया, रिहाई कर देती न तब ने, ये तो सब चल गए वही जेहले में। आपका घर कैसे चलता है? घर चलते हैं जी, तू दुखरा मजूरी और कहला तू कहलक करके बाल बच्चे का पोसली, एगो दमादो को रख ली, वो खत्म हो गए। अब आगे क्या उम्मीद लगता है? आगे की उम्मीद कोची अब करूँ, कोची करूँ, कुछ कोई की सहारे ना है तो कोची करूँ, सहारा कुछ रहता खलता नहीं, कुछ के सहारा ना, ये सब करके इका कर ला करते हैं, उन सब कुछ के सहारा रहे है। जेल में जो बच रहे उनको छोड़ा जाए था, अब जेल तो चल गए, चल ही गए। आपकी आंखों में भी आंसू दिख रहा है। दुख से न गिरे बाबू, सुख से न गिरे भारत। दुख का आंसू दिख रहा है, बड़ी दुख है, दुख है से हमने न जाना ही का दुख हो गए हमने के से। आपके जो लोग थे, आपके जो परिजन जो बंद थे सलाखों के अंदर, अभी भी बंद हैं, आप बोल रहे कि वो नहीं रहे, उनको क्यों बंद किया गया था, क्यों जेल ले जाया गया था? वही बदासी वाला कांड में हम रख धर के सबके। तो गलत आरोप लगाया गया, कुछ गलत ना, निर्शोधी, कुछ गलत ना। क्या लगता है कि नीतीश सरकार अपना फैसला बदलेगी? ससुर बंद हलते हैं, जेले में बंद हो गए थे, सिंघार रोपे लगे हलते हैं, आन गांव में लड़ाई होले धरा गए थे, अखनी निर्दोषी हलते तैयो धार के जेल में पुलिस ले आके बंद कर दिल थे, बंदे हलन जेल में जहाना गुजार गलन। क्या लगता है कि सरकार को फैसला बदलना चाहिए? पति है भदासी सिंघाड़ा रोपने गया, लोग फंसा दिया,
तो वही में आल सब पुलिस धर के ले गया। तो हम लोग मांग रहे हैं सरकार से कुछ लाग दे दीजिए, बाल बच्चा के लिए भविष्य बना दीजिए, क्या करेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो टाडा बंदियों के परिजन हैं और इनके साथ इनके पीछे बैठे हैं भाकपा माले के तमाम विधायक, जिनका कहना है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो फिर 22 साल से जेल की सजा काट रहे उन टाडा बंदियों को भी रिहा किया जाए। दोहरी नीति अपना रही है नीति सरकार, यह नहीं चलेगा। कैदियों के साथ दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ भी नीति सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, एक ठोस फैसला लेना चाहिए, दोहरी नीति नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीति सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और एक नया नियम बनाया और उस नियम के तहत आनंद मोहन के साथ साथ कुल 27 लोगों की रिहाई हुई। उसके बाद बिहार सहित पूरे देश की सियासत तेज है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है, कुछ पार्टियां समर्थन में है रिहाई के तो कुछ पार्टियां इस रिहाई का विरोध कर रही है। ऐसा कहना है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, उन 26 लोगों की रिहाई हो सकती है, तो फिर टाडा बंदियों की भी रिहाई जरूरी है, उन्हें भी नीति सरकार रिहा करे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि क्या इस टाडा बंदियों की के परिजनों की गुहार नीति सरकार सुनती है और फैसला लेती है, अपने फैसले पर इंतजार करती है, या फिर नीति सरकार अपने फैसले पर तटस्थ रहती है। देखना यह दिलचस्प रहता है कि नीति सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।